देखो तुम्हारी किताबों की मदद मिलेगी, तुम्हें बच्चों की फीस कराएंगे, उसको की ड्रेस बनवाएंगे, अगर वो पढ़ना चाहता है तो उसकी साल भर की पूरी 2 साल की 3 साल की गारंटी होगी इंशाल्लाह। वो 5वीं क्लास 8वीं क्लास 10वीं क्लास जहाँ तक पढ़ना चाहेगा ये इमदाद फाउंडेशन उसकी पूरी मदद करेगी। और आप भी कोशिश करिए ऐसे गरीब बच्चों को ढूंढ कर लाइए जो पढ़ना चाहते हैं, अच्छे बच्चे हैं, टैलेंट हैं लेकिन स्कूल नहीं जा सकते। आप उनको हमारा पता दीजिए कि इमदाद फाउंडेशन, हम उसके घर जाएंगे, उनके माँ बाप से बात करेंगे कि अगर वो मजदूरी भी करते हैं बात करते हैं, उनको समझाएंगे कि इस बच्चे का कोई, आप उससे बच्चे को भेजो उसकी पूरी व्यवस्था इमदाद फाउंडेशन करेगा इंशाल्लाह। उस बच्चे को अगर आप ढूंढ जाएंगे आपको भी सवाब मिलेगा, मुझको भी मिलेगा और इस इमदाद फाउंडेशन उस बच्चे तक पहुँचेगा, यही हमारी सबसे बड़ी तमन्ना है। फाउंडेशन और यहाँ पर मुझे एक दिली बहुत खुशी महसूस हो रही है कि आज मैं आप लोगों तक जो हमारे चैनल को देखते हैं ये न्यूज़ और ऐसे लोगों से आपको मैं मिलवाने जा रहा हूँ जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट छोटे छोटे बच्चों को यहाँ बड़ी से बड़ी कोचिंग और बड़े कॉलेज की पढ़ाई जो होती है, इंजीनियर डॉक्टर वगैरह वगैरह, बड़े बड़े प्रोफेसर भी इस संस्था से जुड़े हुए हैं जो फ्री ऑफ कास्ट आकर यहाँ उनको इल्म देते हैं। तो मैं सबसे पहले हमारे इमदाद फाउंडेशन के डायरेक्टर बहुत ही प्यारे से हमारे साथ में माइक ओके के माइक पे मैं उनका इस्तेमाल करता हूँ, वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। फरीद भाई आप ये शुरुआत कब से की आपने और इसको इतना टाइम हुआ और क्या करना चाहते हैं थोड़ा सा आप हमारे चैनल को बताएंगे? शुरुआत जब मेरा बेटा बाहर से आया तो यहाँ पर हालत देखी कि बच्चे मेरे महीने के अंदर भी बहुत सारे हैं क्योंकि माइनर टीका इलाका कहलाता है, लेकिन बच्चे सिर्फ उन्होंने अध्ययन करा, बी ए मार्क पाया गया कि वो पढ़ना तो चाहते हैं, इंटेलिजेंट है बच्चे, लेकिन पापा उनकी मजदूरी करते हैं, पापा कोई काम करते हैं, उतना फीस भरने के उनके पास पैसे नहीं है, क्योंकि कोचिंग अटेंड करना 1000-2000-3000 रुपये महीना कोचिंग क्लासेस अटेंड करते हैं तो बच्चे जब स्कूल की फीस नहीं दे पाते तो कोचिंग क्या करेंगे। तो फैसल भाई ने हमने मशवरा करा कि क्यों ना अपन ऐसे प्लेटफॉर्म तक जाएं कि समाज के उन बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दें कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं अपन उनको ढूंढने चुन कर लेते आए, कि जैसा बस्ती में कोई बच्चा है परिवार बच्चा इंटेलिजेंट है, 5वीं क्लास तक पढ़ा उसने 6वीं का नहीं दिया या 10वीं का दिया उसने 12वीं का नहीं दिया, उन बच्चों को लाके कम से कम अपन 12वीं क्लास की
उसको मंजिल तक पहुँचाएँ ताकि उसकी लाइव अटेंड हो सके। कई शहर से दूसरे शहर में जाए तो वो प्लेटफॉर्म पे अपना टिकट ले सकते, क्योंकि आजकल हर लाइन सिस्टम ऑनलाइन सिस्टम हो रहा है। अगर टिकट भी कराना है तो ऑनलाइन कराना है, अगर बस से भी जाना है तो ऑनलाइन टिकट लेना है। तो ट्रेन का कहीं शहर का नाम पढ़ लेगा, किलोमीटर पढ़ लेगा, अपना हिसाब कुछ कर लेगा, तो उसकी लाइव में बहुत ज़रूरी है। वरना अगर आज मुल्क में बाहर निकल के जाएँ, मैं केरल गया तो केरल में मैंने हिंदी में बात करी तो वहाँ केरल में कोई हिंदी में मुझसे बात करने को तैयार नहीं था। कोई अभी जवाब नहीं देंगे, आधा हिंदी ना, माफ़ी मांगो माफ़ी मांगो। तो हर जाओगे तो आपको इंग्लिश में एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। तो तालीम के लिए बच्चे कम से कम इतना बढ़ जाएँ कि अपना फ्यूचर अपने आप अटेंड कर लें, आज के हालात देश के हालात के लिए अपनी ज़िंदगी को उस माहौल में ढाल लें। क्योंकि इंग्लिश तो दुनिया की नेशनल लैंग्वेज है, कम से कम कुछ छोटी टूटी फूटी इंग्लिश में वो बात कर लें। जिस तरह मैं आगरा गया, कई टूरिस्ट प्लेस पर गया, तो वहाँ के ताने वाले भी इंग्लिश बोलते हैं, वहाँ के ठेले चलाने वाले मजदूर भी इंग्लिश बोलते हैं। क्योंकि उनको ऐसा माहौल मिला, क्योंकि टूरिस्ट पूरी दुनिया से आते हैं और जब टूरिस्ट वो बातें करते हैं तो उनकी बातें वो कैच कर लेते हैं। इतना इंटेलिजेंट दिमाग होता है कि वो बच्चे उन तांगे वाले ठेले वाले सब इंग्लिश बोलने लगते हैं। तो क्यों ना हम उन बच्चों पर मेहनत करें कि उनको ऐसी शिक्षा दें कि वो पढ़ना में अगर वो कामयाब हो जाते हैं और हमारी इस मेहनत को अल्लाह ताला रंग ला देता है, उन बच्चों की लाइफ बन जाती है, तो हमको इससे बड़ा कोई सवाब का जरिया मैं नहीं समझता। ये सबसे बड़ा हथियार अगर है, अगर ज़िंदगी किसी को देना है, पैसा दे दिया कपड़ा दे दिया कपड़ा बदन से फट जाएगा, पैसा दे दिया खा के ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगर उसको एक तालीम दे दी, एक आपने उसको एक सब्जेक्ट के लेक्चर दिला दिया, पहली क्लास या एक सोर एक से लेकर गिनती उसको सिखा दी, तो वो गिनती उसकी ज़िंदगी में कामयाब होगी। वो उस चीज़ से दुनिया का हर एजुकेशन कर सकता है और आप कहीं भी जाएगा तो वो आदमी दुनिया में घूम कर आ जाएगा, उसकी एजुकेशन हमेशा काम आएगी। दोस्तों ये थे हमारे फरीद भाई, इमदाद फाउंडेशन के डायरेक्टर, और ये आपने देखा कि कितनी बड़ी बात है कि इन्होंने इतना बड़ा ये जो बीड़ा उठाया है। लाइफ होके की पूरी टीम पूरा चैनल आपके साथ है सर, और ये जितने भी लोग देख रहे हैं, कभी आपको लगता है कि आपके आसपास कोई गरीब बच्चा है जो एजुकेशन नहीं ले पा रहा है किन्हीं कारणों से, तो आप हमारे फरीद भाई और हमारी संस्था से कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको यहाँ तक पहुँचाएंगे और अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा पढ़ाई शिक्षा के क्षेत्र में आगे लेके जाएगी। सर मैं आपसे भी जानना चाहूँगा लाइफ ओके के लिए आपसे कुछ बोल सकूँ। मैंने लाइफ ओके के डॉक्टर खान की कुछ बात खूबियाँ देखी कि उन्होंने गरीब मजदूर तक की बात को उठाया और शासन तक पहुँचाया, और वो उनके संवाददाता मैंने गली गली में जाके वो ढूंढे देखे कि मैंने आज तक ऐसे चैनल को किसी संवाददाता को गलियों में घूमते हुए नहीं देखा। मैंने उनसे मिला, मैं भी उनके उससे बहुत प्रभावित हुआ कि यार आपकी सोच इतनी अच्छी है कि आप एक छोटे से वर्कर के लिए छोटी जगह में जो गलियों में घूमना और गरीब तबके की आवाज़ को उठाना चाहते हैं। तो मुझे उनकी ये आदत बहुत पसंद आई, मैं इनके खान की तारीफ करता हूँ कि इसी तरह अगर वो इसी गरीब तबके की आखिरी तक आदमी इंसान के तक पहुँचेंगे, शासन तक उनकी बात पहुँचाएंगे, तो उस आदमी की जो मजबूरियाँ हैं, जो कमियाँ हैं, जो शासन तक नहीं पहुँच सकता था, उनकी समस्या हल होगी और उनके इलाके में काम होंगे। यही आदमी चाहता है कि मेरी आवाज़ शासन तक पहुँचे और शासन आज फाउंडेशन की ओर से हमारे एनके खान साहब चीफ ऑडिटर, जिनका आपने सम्मान रखा है। वैसे तो ऑलरेडी उनका इलाके क्रम से बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी जो चैनल्स हैं उनका कई लोगों ने, क्योंकि बहुत पुराने इस फील्ड में है, और सच्चाई मुझे हमारी हैदराबाद ने बताया, बहुत अच्छी बात करी आपने। और आज हमारी अच्छी नंबर भी शहरों में नए जैसे हमारे फरीद भाई बताया, फरीद भाई और फतर भाई का तय जैसे मुझे ज़्यादा करता हूँ कि आज उन्होंने मुझे समझा और अपने यहाँ बुलाया और मेरा मान सम्मान किया। बहुत बहुत शुक्रिया और मेरा मानना है कि आज के दौर के अंदर इतना बड़ा काम, ये जो फरीद भाई और हमारे फैजल भाई काम कर रहे हैं, बहुत ही बड़ा काम है। मैं भी 25 साल से इस काम को करता आ रहा हूँ, लेकिन कहते ना कहीं कहीं कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं सामने के उसमें गर्व होता है, तो मुझे आप लोगों का गर्व है कि आप माशाल्लाह इतना बड़ा काम कर रहे हो। काम के साथ काम तो हर आदमी करता है, लेकिन ये जो काम किया जा रहा है ये बिल्कुल हटके किया जा रहा है। जो आज ये मासूम बच्ची बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं, इनको एक अलग से तालीम दी जा रही है, जो हमें आज इस समाज के अंदर बहुत ज़रूरत है।
ये जो तालीम दी जा रही है एक बहुत ही हटके तालीम दी जा रही है, ये निःशुल्क दी जा रही है, जो आज हमारे बच्चे मोहताज है, पढ़ नहीं सकते। भाई पैसा जेब में है तो स्कूल जाना है, पैसा जेब में है तो कोचिंग जाना है, लेकिन ये जो कोचिंग आज दी जा रही है इन बच्चों को, यहाँ बड़ी खूबसूरती से दी जा रही है और चुन चुन के दी जा रही है, मतलब ये वो काम कर रहा है गरीब बच्चों को घरों घर जाके घरों घर को बच्चों को उठा के उनको तालीम तक पहुँचा रहा है। ये बहुत बड़ा सवाब वाली बात भी है और बहुत बड़ा काम भी है कि मैं भी अल्लाह से दुआ करूँगा ऐसे ही फरीद भाई जैसे फैजल भाई जैसे अल्लाह ताला और इन लोगों को आगे बढ़ाए और आपके घरों को और आपके साथ जोड़े ताकि ये इस मुकाम को और आगे तक बढ़ाए। मेरा मानना है कि अभी हम भी देख रहे हैं, हमने भी अपना चैनल चला रहा है तो हम यही चीज़ें हमारे सामने आती हैं फरीद भाई, लेकिन अभी तक हमने ये चीज़ नहीं पाई जो आपके यहाँ पाई आगे, कि इतना बड़ा काम बहुत ही लाजवाब काम है ये। अगर देखा जाए तो वाकई मैं आपके काम को दिल से सलाम करता हूँ कि आज के दौर के अंदर इतना बड़ा काम बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिनाई वाला काम है जो आप करने जा रहे हो, क्योंकि जो अच्छे काम करते हैं ना सबसे पहले उन पर उंगली उठती है। बुरा मतलब कुछ कह नहीं रखता, लेकिन जो अच्छे काम करते हैं फरीद भाई सबसे पहले उनके ऊपर उंगली उठती है कि अच्छे काम क्यों करना है। लेकिन जो भी छात्राएँ हैं बेटी हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा इस चीज़ की कि ये मौका अल्लाह ताला ने आप लोगों को दिया है को थोड़ा और करते हुए हम आगे निकले, क्योंकि आज के दौर के अंदर हमारे माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं रहा कि उसकी फीस दे सके या उनको आगे पहुँचा सके। ये अल्लाह ताला ने हमें बहुत अच्छा मौका दिया है, सुनहरा मौका दिया है कि इस मुकाम को हम आगे तक लेकर जाए। बाकी इससे ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता, तो फिर एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ फरीद भाई और फैजल भाई दिल से कि अल्लाह ताला इस काम में आप लोगों को आगे बढ़ाए और जहाँ मेरी मदद होगी कहीं भी मेरी मदद होगी मैं आप लोगों के साथ। थैंक यू।